नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन देशमुख और स्वागत है आपका ऑन स्टॉक विद आरडी में। तो आज का हमारा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है कि इफ प्लान ए डजंट वर्क देन गो फॉर प्लान बी बट डोंट चेंज योर गोल। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। टोटल अनस्क्रिप्टेड रहेगा, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे थॉट्स है, जो मेरे अंदर से आ रहा है, वही आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसा है ना कि प्लान ए डजंट वर्क देन गो फॉर प्लान बी एंड डोंट चेंज योर गोल, यही सब लोग कहते हैं। बच्चा बच्चा कहता है, 10 साल का बच्चा कहता है, 25 साल का युवक कहता है और 50 साल का बिजनेसमैन भी कहता है। तो बेसिकली इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, इसे प्रैक्टिकली कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इससे हमें क्या मिलेगा एग्जैक्टली, हम कैसे अपनी गोल की तरफ कदम रख पाएंगे, कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसी के बारे में आज बात होने वाली है। तो बेसिकली कैसा है ना कि ये स्टेटमेंट के पहले का स्टेटमेंट हम साइलेंट कर देते हैं, वही स्टेटमेंट हम सुनते नहीं है, वही चीज सुनते नहीं है। इसीलिए प्लान ए से प्लान बी पे जाओ, सी पे जाओ, डी पे जाओ, जेड तक के जाओ, लेकिन फिर भी आप अनसक्सेसफुल हो गए, या फिर अनसक्सेसफुल नहीं हुए, सक्सेसफुल हो भी गए, फिर भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो क्या है इसके पहले का स्टेटमेंट जो हमने साइलेंट कर दिया है, वो है स्टेटमेंट कि अपना पैशन ढूंढो, अपना गोल ढूंढो। अब कैसा है ना कि हमें अपना पैशन पता नहीं होता, हमें अपना गोल पता नहीं होता, हम अपना गोल सेट नहीं करते हैं। अगर हमने अपना गोल सेट कर लिया देन उसके बाद हमने अगर प्लान्स चेंज किए तो शायद से वो गोल तक हम पहुंच जाए, लेकिन हमें हमारा गोल ही नहीं पता। हम अगर मुझे कुकिंग करनी ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन फैमिली प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में या किसी का देख के अगर मुझे लग रहा है कि मैं शेफ बन जाता हूँ और मैं अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसमें मजा ही नहीं आ रहा, तो शायद मैं सक्सेसफुल हो भी गया तो भी बाद में मजा नहीं आएगा या अनसक्सेसफुल ही रहूंगा, चाहे मैं कितने भी प्लान चेंज करूँ। तो इसके पहले का जो स्टेटमेंट है कि अपने अपने पहले पैशन को पहचानो, अपने गोल को पहचानो, तभी आप कुछ वो प्लान का मतलब रहेगा। अगर आप प्लान चेंज करके रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें, क्योंकि गोल ही आपका डिसाइडेड नहीं है। पहले तो गोल डिसाइड करो, देन डायरेक्शन डिसाइड करो, देन रोड डिसाइड करो, देन रोड मैप बनाओ। अगर आपकी डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं है तो आप सफर पे कैसे निकलोगे। तो यही ऑनेस्ट टॉक विद आरडी के सेकेंड एपिसोड का कंक्लूजन है कि अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो प्लान बी की तरफ तभी जाओ जब आपका गोल डिसाइड हो। तो अब वो गोल कैसे डिसाइड करना, वो पैशन कैसे पहचानना, उसकी तरफ कैसे जाना, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाना, ये हमारे थर्ड एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के बने रहिए। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग होगा तो वो नीचे कमेंट करके बताइए, हम जरूर उस पर कुछ नया वीडियो बनाएंगे या कमेंट में ही कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं भी कुछ सीखूंगा, आप भी कुछ सीखेंगे और हम दोनों सीखते सीखते शायद से कुछ नई बात निकल के आ जाए, कोई नया फिलोसॉफिकल, नया प्रैक्टिकल अप्रोच निकल के आ जाए। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ, बाय बाय, थर्ड एपिसोड में फिर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके लिए लाया है क्रिएटर्स डेमोक्रेसी चैनल ने, जहाँ कुछ यंग क्रिएटर्स आत्मनिर्भरता की ओर अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो अगर आपको उनका काम अच्छा लगता होगा, आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता होगा, तो आप जरूर क्रिएटर्स डेमोक्रेसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पर्सनल काम भी अच्छा लगता होगा तो आप मेरे पर्सनल चैनल, यहाँ पे कहीं तो भी उसकी लिंक दी होगी, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।